सबका कश्मीर को आज जेल बने 2 साल गुजर चुके हैं। कराची से खैबर और खैबर से कोटी तक तो पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज बना हुआ है। फिजा में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी है। इस्लामाबाद पूरे में खिलाफ मोदी के खिलाफ जो है वो डिफरेंट किस्म के बैनर्स लगाए गए हैं जिन पे लिखा था कि हारन बजाएं, मोदी को आईना दिखाएं। इस हवाले से कश्मीरियों के हक में डिफरेंट किस्म की रैलियां भी निकाली जा रही हैं जिसमें कश्मीरियों को अपने हक के रायदही का इस्तेमाल के हवाले से डिफरेंट किस्म के जो है वो आवाज़ें बुलंद की जा रही हैं। इसके साथ साथ इमरान खान जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उन्होंने कश्मीरियों के हवाले से जो है वो डिफरेंट किस्म के बयान दिए हैं कि कश्मीरियों की हक रायदही के हवाले से आवाज़ बुलंद करने का अज़म भी किया है। भारत खित्ते का अमन तबाह कर रहा है, भारत ने कश्मीर को जहन्नम बना दिया है, इस जन्नत नज़ीर आबादी को तबाह करके रख दिया है। भारत इस खित्ते का अमन तबाह कर रहा है, कश्मीरियों की जद्दोजहद कामयाब होगी। और वज़ीर आज़म ने ओआईसी के वफद से मुलाकात की और उसमें बताया कि कश्मीरियों पर किस तरह जुल्म सितम भारत कर रहा है और इसके हवाले से उन्होंने जो कि ओआईसी के वफद से और जो है इंसानी हकूक के जो कमीशन है उससे भी मुलाकात की और ओआईसी और इंसानी हकूक का मसला कश्मीर को जल्द अज जल्द हल करवाने के हवाले से अपना करदार अदा करने के लिए जो है वो उन्होंने कहा। उस हवाले से पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर डिफरेंट किस्म के सेमिनार हो रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अमन पसंद है और कश्मीर के हवाले से भारत जो है वो इंतशार का मुजाहरा कर रहा है। वो वादी जो कि जन्नत नज़ीर वादी है उसको कश्मीर ने जहन्नम की तरह बना दिया है। इस हवाले से जो है वो पूरी किस्म के पाकिस्तान में डिफरेंट जगहों पर सेमिनार्स हो रहे हैं और कश्मीर के हवाले से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे बुलंद किए जा रहे हैं।